असलम सब कैसे उम्मीद है कि सारे ठीक ठाक होंगे तो मैं किचन में मौजूद हूँ आज मैं आप लोगों के साथ सूप की रेसिपी शेयर करूँगी तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं तो मैंने सबसे पहले जो है ना हाफ के जी चिकन ले लिया और उसको मैंने पानी में डाल के रख दिया इसकी यखनी बनाऊँगी सबसे पहले और गर्म मसाले इसमें मैं ऐड कर चुकी हूँ जी ज़ीरा मैंने डाला है और मसाले वाली मोटी इलायची डाली है और मैं इसमें थोड़े से जो है ना लहसुन के जो है कुछ इसमें ऐड करूँगी दार चीनी मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ और काली मिर्ची मैंने ऐड की है नमक एक चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है बिल्कुल सूप की तर, मतलब जिस तरह यखनी बनाते हैं चिकन की वैसी आप लोगों ने इसकी यखनी तैयार कर लेनी है और उसके बाद मैं इसके ढक के रख दूँगी और जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको जो है ना आ, मिसाले वगैरह मैंने निकाल लेने हैं मतलब आप लोगों ने पानी ऊपर से ऊपर ऊपर से निकाल लेना है मिसाले नीचे रह जाएंगे वो आप लोगों ने ज़ाए कर देने हैं वो ज़रूरत नहीं है जी तो उसके बाद आपने चिकन के रेशे करके तो आपने पानी में डाल के रख देने ये पकेगा इसमें और उसके बाद ये साथ ही मैं जो है ना दो अंडे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए और साथ में जो है ना मैं इसमें से जो है ना सारे मसाले निकाल के फिर मैंने चिकन जो है ना चिकन के रेशे करके डाला है ओके चाहिए अब मैं सब्जियां कट करती हूँ इसमें मुझे जो वेजिटेबल्स चाहिए वो मैंने हाफ शिमला मिर्च ली है बंद गोभी मैंने ये चौथा हिस्सा ले लिया और साथ में ये जी छोटी छोटी मन्नी मन्नी सी दो गाजरें लेती हूँ और गाजरों को मैंने कद्दू कच कर लेना है और शिमला मिर्च मैंने बहुत बारीक कट करनी है और मैंने बंद गोभी भी बारीक सी कट कर लेनी है और जितनी देर में मेरी यखनी तैयार होती है तो ये चीज़ें मैं रेडी कर लेती हूँ यखनी वैसे ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है लेकिन उसमें अब चिकन को मैंने डाल दिया है नमक मैंने उसमें ऐड कर दिया है और हंसवें ज़रूरत जो पहले मैंने यखनी में डाला था सॉरी और ये मैं जब तक कट करती हूँ तो तब तक मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ पहले ही अच्छा जो है मैंने उसमें सूप में जो है ना मैंने हाफ़ पैकेट लिया है मैंने कॉर्नफ्लावर ले के पानी में मिक्स करके वो मैंने डाल दिया जब वो मैं डाल रही थी तो एक हाथ से मैंने जो है ना चमचा हिलाया है और एक हाथ से मैंने कॉर्नफ्लावर उसमें ऐड किया है ताकि उसमें घुटलियाँ ना बने जल्दी जल्दी में ठीक है जी और मैंने ये जो है जब कॉर्नफ्लावर ऐड कर लिया उसके बाद मैं ये सब्ज़ियाँ भी इसमें ऐड कर रही हूँ और सब्जियाँ मैंने इसमें ऐड कर दी हैं सारी और आप लोगों ने देखना है कि कॉर्न फ्लोर आपने जब ऐड किया था मतलब पानी में मिक्स करके आपने ऐड किया और चम्मच हिलाना है तो वो गाढ़ा हो जाता है अगर तो वो गाढ़ा हो जाता है तो ठीक है नहीं तो आप उसमें कॉर्न फ्लोर और भी ऐड कर सकती हैं ताकि वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो जाए अच्छा मुझसे एक क्वेश्चन पूछा ना कि ये सूप रेडी होने के बाद अगर दोबारा हमने इसे गर्म करना हो तो कैसे करें तो आप डबल बॉयलेट के ज़रिए इसको गर्म कर सकते हैं अच्छा मैंने अंडे को अंडों को जो है ना जो हो गए हैं बॉयल और इनको मैंने बारीक कट कर लिया है और एक अंडा मैं लेती हूँ और उसको मैं अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ और वो मैंने यखनी में उसी तरह सॉरी सूप में उसी तरह से शामिल करना है जिस तरह मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है और साथ में चम्मच हिलाती हूँ अच्छा कॉर्नफ्लावर वाली जो है ना वीडियो मुझसे स्किप हो गई थी तो इस वजह से उसके लिए माजरत लेकिन मैंने आपको मेथड आसानी से समझा दिया पानी में मिक्स करना है आपने और उसके ऊपर मेथड लिखो तो उसी तरह से आपने डालना है okay, ओके जी अब अंडा में शामिल करती हूँ और साथ में वो चम्मच हिलाती रहूँगी और नमक इसमें मैंने हंस जरूरत ऐड कर लिया है यखनी में मैंने डाला था लेकिन वो कम पड़ गया था इसलिए मैंने उसमें और ऐड किया और मिसाले आप लोगों ने निकाल लेने हैं ठीक है पानी निकाल के लग करना है आप लोगों ने तो मिसाले बिल्कुल एंड पे रह जाएंगे और चिकन रह जाएगा तो आपने चिकन निकाल के उसके रेशे करके तो तब आपने पकाने हैं पका लेना है और वो मिसाले जो है ना आपने नहीं डालने ठीक है वरना बहुत ज़्यादा वो स्पाइसी हो जाएगा ओके okay, जी ये मेरा सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है तो इसमें मैंने सॉसेस वग़ैरह जो है ना अभी भी आप ऐड कर सकते हैं और मैं लास्ट में जब सर्व करूँगी तब मैंने इसमें डाले थे इस मेथड से आप लोगों ने वैसे सूप जरूर ट्राई करना है बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बना था मैं अभी रिकॉर्ड इसमें बाद में रिकॉर्डिंग बाद में डाल रही हूँ और मैंने इसमें जो है ना अगर आप डालना चाहते हैं तो दो चम्मच आपने सोया सॉस के डाल लेने हैं और सरका एक चम्मच डाल लें चिली सॉस भी दो चम्मच लेकिन हर एक की अपनी मर्जी होती है इसलिए आप जो है ना सर्व करते वक्त दे देंगे जिसने जितना डालना जब सूप तैयार हो जाएगा लास्ट में मैंने अंडे शामिल कर लेने और जी मेरा रेडी अगर आपको अच्छी लगी है रेसिपी तो इस तरीके से बनाइएगा और जब बना चुकेंगे और पसंद आएगी तो तब आके कमेंट ज़रूर कीजिएगा तब आके बताइएगा वैसे ये बहुत मज़े का बना था इसीलिए मैं ये जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मुझसे सब पूछ रहे थे कि रेसिपी बताओ तो मैंने कहा चलो जी मेरे चैनल पे जाके देख लेना <laughs> तो ये उन सब के लिए भी है जिन्होंने मुझसे बार बार रेसिपी की फरमाइश की थी, थी जी तो उनके लिए जी इसी के साथ जी अल्लाफ़